अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। इंग्लैंड की भारत के खिलाफ जीत के बाद अब पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाना मजीद मुश्किल हो गया। दोस्तों, ग्रीन शर्ट को अब मेगा यूनिट के सेमीफाइनल में रसाई पाने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के साथ साथ दुआ भी मांगना होगी। दोस्तों के इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच में शिकस्त का सामना करना पड़े। दोस्तों, क्योंकि इस सूरत में रन रेट सरफराज 11 के आड़े नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और वीडियो को लाजमी से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, याद रहे कि वर्ल्ड कप के 38वें मैच में इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से शिकस्त दे दी। दोस्तों, इंग्लिश टीम की इस कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक पहुंचने का सफर मजीद मुश्किल हो गया। दोस्तों, 338 रन के हदफ के ताकम में भारत का आगाज अच्छा ना था। दोस्तों, सिर्फ 8 के मौजूदा स्कोर पर राहुल 0 पर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, इब्तदाई नुकसान के बाद कप्तान कोहली ने रोहित शर्मा से मोहतात अंदाज में इनिंग को आगे बढ़ाया। दोस्तों, और 138 रन की पार्टनरशिप कायम की। दोस्तों, ताहम विराट कोहली 140 के मजमू पर चलते बने। दोस्तों, इन्होंने 66 रन बनाए। दोस्तों, टॉस जीतकर एन मॉर्गन का कहना था कि भारत के खिलाफ टीम में दो तब्दीलियां की गई। इंग्लिश टीम में मोइन अली और जेनस की जगह जेम्स रॉय और लियाम प्लेंटिंग को शामिल किया गया। दोस्तों, जबकि भारत ने विजय शंकर की जगह रेशन पांडे को 11 रुकने टीम का हिस्सा बनाया। दोस्तों, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो पाएगा या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियो सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।